आपकी कॉफी सर, एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू. थैंक यू. Nice place, Rajiv. You like it? Yeah. Just a second. Cheers. Cheers. Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? आज मेरी और मेरी खूबसूरत सी बीवी की शादी की सालगिरह है, तो आज की शाम हम दोनों के नाम, let's have fun and cheers! सर शराब के खून आ रहा है सर हाथों से. सर
चले? हमारी गाड़ी उधर है। डार्लिंग डार्लिंग, अरे रे 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 रे, वो देखो वो, अरे पापा वो अरे रे 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 रे, स्वीटी गाड़ी वहाँ पे है, देख लो। चले चले संभाल के, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। हाँ, सब कुछ गोल गोल राइट राइट लगी गाड़ी में। चले चले That's a car, baby. My car. Yeah, a car. Samal ke, samal ke, samal ke. Samal ke, samal ke. Just hold yourself. Ek, okay. Yeah, my princess. Come inside. Thank you. Hey, here we go. Rajiv. Yeah. मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं सुची, तुम तो मेरी राजकुमारी हो। सच? सच? क्या हुआ सुची? वो खड़े हैं राजी। तुम चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। कोई भी तो नहीं है सुची, लगता है आपने ज्यादा पी ली है। कोई नहीं है वहाँ पे। मैं कह रही हूँ ना तुमसे राजी, मैंने देखा आपने यहाँ से, कोई है वहाँ पे? सुची अब देख लो, देख लो, कोई नहीं है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये कौन है? लगता है कोई बिचारी है, चलो उसकी मदद करते हैं। नहीं राजी, खिड़की नीचे मत करना। कुछ नहीं होगा स्वीटा, ट्रस्ट मी। मैं कहती हूँ गाड़ी ऑन करो और चलो। सुची सुची सुची, भगवान ना करे कभी तुम मुसीबत में फंसी हो और तुम्हारी मदद करने वाला कोई ना हो तो मुझे इसकी बात सुननी हो। नहीं राजी, नहीं, खिड़की नीचे मत आ जा। देखिए प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा 3 साल का बच्चा बहुत बीमार है और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई। यहाँ दूर दूर तक कोई टैक्सी कोई ऑटो कुछ नहीं है, प्लीज। मैडम मैं चलता हूँ आपकी गाड़ी चेक करने के लिए, शायद कोई माइनर प्रॉब्लम होगा। स्वीटा डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ट्रस्ट मी। प्लीज जल्दी चलिए प्लीज। ठीक है, टेक केयर, वेलकम। चलिए राजीव। देखिए आप प्लीज मेरी वाइफ की बातों का बुरा मत मानिए, उसे आदत है छोटी छोटी बातों की चिंता करने की। चिंता करनी भी चाहिए, अब पत्नी पति की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? मुझे लगता है कि बॉनेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। I'll just check it out. मुझे राजीव को भेजना ही नहीं चाहिए था, गए क्यों भी? आए क्यों नहीं अभी तक? शायद स्टार्ट हो जाए। लीजिए आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो क्या बोनेट के अंदर एक वायर लूज हो गई थी, मैंने ठीक कर ली है, मैं चलता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ। क्यों? जी
मेरी वाइफ मेरे वहाँ पे इंतजार कर रही है, आई नीड टू गो। बहुत प्यार करते अपनी वाइफ से? जी मुझे चलना चाहिए। क्या हुआ, दरवाजा नहीं खुल रहा? नहीं। हाँ राघव, हाँ तुम इंस्टीट्यूट पहुंचाओ, मैं और हर्ष बस निकल ही रहे। ओके चलो सी यू देयर, बाय। हर्ष और कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट और। तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा वक्त लगा रहे हो तैयार होने में। क्यों, खूबसूरत दिखने का हक सिर्फ तुम्हें ही है, हमें नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि खूबसूरत दिखने का हक सिर्फ तुम लड़कियों को है। इतने भी खूबसूरत मत लगो, क्या पता दुर्जन का दिल आ जाए तुम पे। बस 2 मिनट और। ये क्या कर रही है तुम? यमनी, 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 I'm sorry, तुम्हें लगी तो नहीं? आओ, उठो, उठो यहाँ पर बैठो। आओ, आओ, I'm really sorry, तुम्हें लगी तो नहीं? मैं बहुत दर्द हो रहा है। शायद मोच आ गई। मोच? मोच आ गई तुम? यामिनी, I'm very sorry. तुम यहीं बैठो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। बुरा लगेगा। नहीं यामिनी, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए तुम। हर्ष, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। इन स्केचेस में ऐसा क्या है कि तुम इतना गुस्सा हो गए?
मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता यामिनी, बस यूं समझ लो कि ये स्केचेस नहीं, मेरे दिल के अंदर बंद वो राज है जिसके ताले की चाबी मेरे पास भी नहीं है। हर्ष, मैं कुछ समझी नहीं। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए यामिनी, मैं तुमसे वादा करता हूं मेरी जिंदगी से जुड़े हुए इस राज के बारे में मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। कब से इंतजार था, कब से इंतजार था मुझे इस दिन का। वापस आ गई है वो दिलों को चुराने वाली। दिलों को चुराने वाली? हाँ, 6 महीने पहले भी आई थी ये, फिर ना जाने कहाँ चली गई, अब इस बार फिर लौटी है। कहीं मेरा दिल ना चुरा ले। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये दिलों को निकालने वाली आत्मा किसी औरत की है, आदमी की नहीं? हाँ, बहुत ही खूबसूरत आत्मा है ये, मैं इसे बदलते हुए देखना चाहता हूँ। जब वो खूबसूरती से बदसूरती में बदलती है, ढूंढो ढूंढो उसे, देखो कैमरे में आती है या नहीं। वो आत्मा हमें कहाँ मिलेगी? राजीव का दिल ले गई है वो, छाती में से निकाल के ले गई। उसकी बीवी ने कुछ तो देखा होगा। जी कहिए। जी हम राजीव के दोस्त हैं, क्या हम सुचेता से मिल सकते हैं? जीजा जी के दोस्त? पर मैंने तो आप लोगों को पहले कभी नहीं देखा। वो एक्चुअली हम शहर के बाहर रहते हैं, राजीव के बारे में सुना तो मिलने आए। ठीक है, आइए। जब से जीजा जी की मौत हुई है दीदी ने तो अपने आप को कमरे में बंद ही कर लिया है। भला कोई इंसान इतना खूंखार कैसे हो सकता है कि कोई किसी का दिल ही निकाल ले। यहाँ पर तो कोई भी नहीं। दीदी, दीदी, अभी तो यहीं पर थी। दीदी, जान ले लूँगी मैं तेरी, मेरे लाजिम को मार डालो।
मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे ठीक से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तूने नहीं किया तो किसने किया? किसने मारा मेरे राजीव? दीदी संभालो, दीदी किसने मारा मेरे? दीदी संभालो अपने आप को, दीदी मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। राजीव को मारना। प्लीज 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 मेरी मदद करो, मेरा 3 साल का बच्चा बहुत बीमार है, मेरी कार खराब हो गई, यहाँ दूर दूर तक कोई टैक्सी कोई ऑटो कुछ भी नहीं है। मदद करिए, झूठी थी वो, एक नंबर की झूठी थी, झूठी राजीव को मार डाला। राजीव राजीव देखो देखो राजीव, खिड़की नीचे मत करना, मुझे औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। राजीव चलिए, राजीव खिड़की मत खोल, मैं कह रही हूँ राजीव खिड़की नीचे मत करो। राजीव सुना उसने मेरा, दीदी 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 मैं दवा आई हूँ, प्लीज दीदी दवा कर लो प्लीज, मेरी दीदी की हालत बहुत खराब है। दीदी पानी लो, पानी लो ना दीदी, दीदी पानी लो ना। पुलिस को कुछ नहीं बताया? पुलिस के पास जाकर भी कोई फायदा नहीं, इस हालत में कुछ नहीं कह पाएगी दीदी पुलिस तो। क्या इन्होंने उस खूनी औरत के बारे में कुछ नहीं बताया? बस एक अखबार में एक पेंटिंग देखी और कहने लगी यही है वो, यही है वो। अखबार में पेंटिंग? क्या हम वो अखबार देख सकते हैं? एक मिनट। Master work by Kabir. An exhibition will be held at New Art Gallery. क्या हम ये अखबार ले जा सकते हैं? यहाँ पे तो ऐसी कोई भी तस्वीर नजर नहीं आ रही। इस जगह पर तो टेढ़ी मेढ़ी पेंटिंग्स रखी हुई हैं। दामिनी की पेंटिंग यहाँ पर नहीं हो सकती। उस पेंटिंग में एक खूबसूरती थी, एक कशिश थी, जिंदगी के रंग छिपे हुए थे, पर इन पेंटिंग्स में एक अजीब सी घुटन है, एक अजीब सा अंधेरा। ऐसा लगता है कि जिंदगी के नहीं मौत के रंग छिपे हुए हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ पर, खड़े लोगों से पूछ के आता हूँ कि उन्होंने ऐसी कोई पेंटिंग देखी है या नहीं।
ओ कबीर जी आ गए। कबीर जी, ये सारी पेंटिंग तीनों ने तो बनाई है, चलो। कबीर जी, अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताएंगे आप? तुम लगा तो नहीं? अरे देख कर चलिए। सर सर प्लीज बताइए ना सर, प्लीज सर। सर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इसकी? क्या पर दर्द है? मैं क्या कह रहा था वो? हाँ सर, वो आपकी नेक्स्ट एग्जीबिशन के बारे में आप कुछ बता रहे थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर कबीर, आपकी पेंटिंग्स दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं, क्या आप हमें इस पेंटिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं सिर्फ उन्हीं पेंटिंग्स के बारे में बात करना पसंद करूंगा जो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये पेंटिंग मुझे तो नहीं लगता है यहाँ मौजूद है। नहीं ना? लेकिन जो बात इस पेंटिंग में है वो यहाँ पर मौजूद आपकी किसी भी पेंटिंग में। आप लोग सब यहाँ आए, मुझे अपना मान और प्यार दिया, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग ये प्यार ये मान हमेशा बनाए रखें। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट। सर प्लीज सर, ये इतनी आसानी से हमसे पीछे नहीं छुड़ा सकता, मैं और कोशिश करता हूँ। नहीं हर्ष, ये सही वक्त नहीं है, यहाँ पे बहुत प्रेस रिपोर्टर्स है, हमें इससे बाद में जाके मिलना होगा। काश इस अखबार में कुछ और भी लिखा होता उस पेंटिंग के बारे में। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये सारे खून वो पेंटिंग वाली औरत करी है? हो सकता है कि ये सुचेता का पागलपन या फिर उसका वहम हो? नहीं राघव, कुछ ना कुछ संबंध जरूर है उस पेंटिंग का राजीव की मौत के साथ। तुम दोनों ने कबीर को देखा, वो कैसे बौखला गया जब मैंने उसे सवाल पूछे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि उसने अपने सीने में कहीं राज छुपाए हैं। ये लिफ्ट, मुझे लगता है ये लिफ्ट खराब हो गई है, हमें सीढ़ियों से जाना चाहिए। नहीं, जामनी के पैर में चोट लगी हुई है, सीढ़ियाँ कैसे उतर के जाएगी? तुम दोनों यहीं रुको, मैं नीचे जाके देखता हूँ, शायद लिफ्ट अटकी होगी। यहाँ पे तो लिफ्ट चली नहीं रही, नीचे जाके देखता हूं। कौन है वहां पर? कौन है?
चुपचाप। कौन हो तुम? कौन हो? खूबसूरती को देखकर अक्सर लोग ऐसे ही फिसल जाते हैं। क्यों? ऐसा ही हुआ ना? बहुत अजीब हो तुम, अपनी जान की भीख भी नहीं मांग रहे। क्यों कर रही हो तुम ऐसे? क्या मिलेगा तुम्हें मासूम लोगों की जाने लेकर? चलो अपनी प्रेमिका को बुलाओ जो तुम्हारे दिल में बसी हुई है। मेरे दिल में कोई भी नहीं है। तो मैं दिल निकाल के देख लूं? नहीं, ऐसा मत करना। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे दिल में कोई भी नहीं है। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। अब तो देखना ही होगा कि तुम्हारे दिल में कौन रहता है। ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है, लेकिन ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि बच पाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर? प्लीज प्लीज आज को किसी भी कीमत पे बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर, प्लीज आई विल बी ट्राई माय बेस्ट। ओके प्लीज राहुल रिलैक्स। यकीन है कि ये पेंटिंग उस आत्मा की है? हाँ, वैसी ही साड़ी, वैसी ही बिंदी, कने में वही हार, वो पेंटिंग उसी आत्मा की थी। हर्ष का दिल बाहर निकाल दिया उसने।
हमें हर्ष को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। दिल बाहर ही तो निकाला है, लेके तो नहीं गई ना, लेके चली जाती तो आज मर ही गया होता वो। मुझे तो लगता है वो ऐसे ही लोगों को मारती है बिना किसी बात के। खूनी आत्मा है। आज तक जिन लोगों का दिल निकाला है उसने, उनमें से किसी के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं था। पर हर्ष का संबंध था। किसके साथ? उस पेंटिंग के साथ। पेंटिंग के पास खड़ा था वो, है ना? पेंटिंग के पास तो मैं और राघव भी थे, तो फिर हर्ष ही क्यों? क्योंकि शायद हर्ष ने उस पेंटिंग के बारे में पूछा। पेंटिंग के बारे में पूछने से क्या आत्मा नाराज होती है? ये बात पेंटर से पूछ लो ना, पूछो उससे कौन है ये औरत जिसकी उसने पेंटिंग बनाई है। जरूर वो उसे जानता होगा, क्योंकि उसने उस खूबसूरत पला की पेंटिंग बनाई है। बहुत जल्दी वो अपना अगला शिकार ढूंढने वाली है। बहुत करीब है, बहुत बहुत करीब है। जल्दी जाओ, जाओ। जी कहिए। जी मुझे मिस्टर कबीर से मिलना है। जी आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं साहब को बुला कर लाता हूँ। प्लीज जरा जल्दी बुलाना। जी आया। इसका नाम दामिनी है। आपकी तारीफ? तारीफ? अरे तारीफ तो उस पेंटर की कीजिए जिसने ये खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। वैसे ये आपके हाथ को क्या हुआ? अब नहीं कुछ नहीं, थोड़ा पेंट है, डोंट वरी, खून नहीं है। लगता है इस पेंटिंग को बनाने में सिर्फ रंग नहीं, आपका खून और पसीना भी लगा है।
जयम, ये पेंटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है, शायद इसलिए मैंने इसे किसी को बेची भी नहीं। वैसे क्या आप मुझे इस पेंटिंग में मौजूद औरत के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? ऑफ कोर्स, तुम वही हो ना जो अपने दोस्तों के साथ मेरी एग्जीबिशन में आए थे। ऐसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में जो तुम सबके सब हाथ धोकर इस पेंटिंग के पीछे पड़ गए? हाथ धोके हम लोग नहीं, ये पड़ी है मासूम लोगों के पीछे। आपको तो पता ही होगा, लोगों के सीने से दिल निकालकर मार देती है ये उन्हें। बकवास कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? बकवास मैं नहीं कर रहा हूं, अगर यकीन ना है तो चलकर देखो मेरे साथ हॉस्पिटल में, क्या हालत करके रख दी इसने मेरे दोस्त हर्ष की। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है वो। मारा नहीं सिंधिया? अब नहीं, वो मेरे कहने का मतलब था कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। आई होप ही सेफ नाउ, राइट? अब सच सच बताओ, कौन है ये औरत? ये तो मैं जानता हूं कि ये मर चुकी है, लेकिन इसका तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है? दोस्त है तुम्हारी, रिश्तेदार है, बीवी है तुम्हारी, कौन है ये? शट अप, जस्ट शट अप। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हां मेरे घर आके मुझसे सवाल पूछते हो? जस्ट गेट द हेल आउट, गेट आउट। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता, नहीं जाने वाला मैं यहां से। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो चुपचाप यहां से खुद चले जाओ, या धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। ऑलराइट, यू डिसाइड। बोलो, सांप को बाहर का रास्ता दिखाओ। सांप, सांप बाहर जाइए, सांप जाइए सर, सांप बहुत गुस्सा में है, इस वक्त आप जाइए बाहर। अरे चले जाता हूं ना यार, क्या बहुत प्यास लगी, एक ग्लास पानी पिला दे। पर अरे पानी पी के चले जाओ ना यार, आयशा पर चलो। ठीक है, ये लिफाफा, ये लिफाफा तो दामिनी के मां के नाम का है। मगर ये एड्रेस आसरा ओल्ड एज होम चेंबूर। देखिए बस दिन भर यहीं बैठी रहती हैं, बस कुछ न कुछ, बस तस्वीर से ही बातें करती रहती हैं। बेटा जब यहाँ अगली बार आओ तो मुझे यहाँ से ले चलना, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं बेटे। वो इनसे कोई मिलने नहीं आता। इनसे कोई मिलने नहीं आता? हाँ, 6 महीने हो गए नहीं यहाँ पर आए, पर अब तक तो कोई नहीं आया। तो फिर ये बातें किनसे करती रहती है? इनकी दामिनी नाम की बेटी थी, बस उसी से कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। और एक बार तो इन्होंने आधी रात में सबको जगा दिया था, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, दामिनी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुझसे कितनी बार कहा कि मेरे पास मत आया कर, मगर तू फिर आ गई। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ।
यामिनी? नहीं नहीं माँ जी, मैं यामिनी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चल जाओ यहाँ से। माँ जी, कल रात दामिनी मुझसे मिलने आई थी। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। वो चाहती है कि आप उसे माफ कर दें। क्या? दामिनी तुमसे मिलने आई थी? हाँ, और उसने वादा किया है कि वो आपसे किसी की जान नहीं लेगी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं जानती थी दामिनी पापी नहीं है। पापी तो वो है, उसका पति कबीर। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उस जानवर को। माँ जी, आखिर दामिनी ये सब कर क्यों रही थी? मेरी बेटी दामिनी बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने शर्मा जाए। उसे उसके पति कबीर की प्रेरणा भी उसकी खूबसूरती से ही मिलती थी। मगर उसका एक दुश्मन था मिराज, वो भी पेंटर था। कबीर की पेंटिंग से बहुत जलता था और इसीलिए एक दिन उसने कबीर को शराब पिलाकर दामिनी का खून कर दिया। उसने उसे तड़पा तड़पा कर मारा, उसका चेहरा खराब कर दिया और सब कुछ कबीर के सामने। पर कबीर ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? दामिनी के मौत का सदमा कबीर बर्दाश्त नहीं कर सका, वो पागल सा हो गया। एक दिन जंगल से एक आदमी को पकड़ के लाया दामिनी को दोबारा जिंदा करने के लिए, मगर दामिनी तो जिंदा नहीं हुई। उसकी भटकती हुई आत्मा कबीर के बस में आ गई और उसकी आत्मा से जो पहला काम कराया वो था मिराज का खून। मिराज और उसके पूरे परिवार को मरवा डाला उसने, दिल निकाल लिया उनके शरीर से। मिराज की जान ली, ये तो समझ में आता है, पर बाकी मासूमों को क्यों मरवा रहा है कबीर? क्योंकि प्रेमियों और एक दूसरे से प्यार करने वाले जोड़ों को देखकर उसे जलन होती है। वो चाहता है कि वो लोग भी वही दर्द वही दुख महसूस करें जो वो महसूस करता है दामिनी से जुदा होकर, और इसीलिए जोड़े में से एक को मरवा देता है और एक को जिंदा छोड़ देता है तड़पने के लिए। मुझे यहाँ भिजवा दिया क्योंकि मैं उसका राज जान गई थी। अब तुम लोग भी उसका राज जान गए हो, तुम लोग को भी मरवा डालेगा। ठीक हो? मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। हर्ष, हमें उस आत्मा के बारे में पता चल गया है। वो आत्मा कबीर की मरी हुई पत्नी की है। कबीर उसका सहारा लेकर उन लोगों को मार रहा है जो प्रेमी है। कबीर को
प्रेमियों से सख्त नफरत है। वो किसी भी जोड़े को साथ खुश नहीं देख सकता। तो फिर उसने हर्ष की जान लेने की कोशिश क्यों की? अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। कहीं उस जयश्री की कहानी झूठी और मनगढ़ंत तो नहीं? हाँ हर्ष, कुछ कहना चाहते हो? कुछ ठीक से चुना नहीं तेरा। नहीं हर्ष, ये मास्क मत निकालना, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, प्लीज। शायद वो कुछ कहना चाहता। उसकी कहानी झूठी नहीं है। क्या? जयश्री की कहानी झूठी नहीं है? तो फिर हर्ष, उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश क्यों की? वो हर्ष, तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो। उसे लगा कि मुझे कहा कि बुलाओ अपनी प्रेमिका को। मैंने उसे बताया कि हम प्रेमी नहीं है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। हर्ष, दामिनी आज भी कबीर की हर एक बात मानती है, क्योंकि कबीर ने दामिनी से वादा किया था कि वो कभी भी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने देगा। मतलब अगर वो आत्मा प्रेमियों से नफरत करती है तो हम प्रेम का जाल बिछाकर उसे फंसा सकते हैं। प्लीज। हाँ मिस्टर कबीर, यकीन नहीं होता कि हम आप जैसे मशहूर पेंटर के साथ डिनर कर रहे हैं। वाकई आपकी पेंटिंग्स में कुछ तो ऐसी बात है जो किसी औरों की पेंटिंग्स में नजर नहीं आती। जी, एक अच्छे आर्टिस्ट की यही कोशिश हमेशा रहती है कि अपनी पेंटिंग्स में अपनी जिंदगी की छाप छोड़ते हैं। कभी हो जाता है, कभी नहीं। प्लीज। थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू। गाइस तुम लोग रेडी हो ना? बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। ऑल द बेस्ट। Same to you. जरा कबीर की हालत तो देखो। लगता है आज हमारा प्लान कामयाब हो ही जाएगा। No, it's a surprise time. आंखें बंद करो। क्यों? करो तो सही। उफ, क्या मजाक है? प्लीज मेरे लिए। पर आंखें बंद क्यों? अभी तुम आंखें बंद कर रही हो नहीं? ओके, किया। आगे नहीं खोला, आगे नहीं खोला। अच्छा नहीं खोलूंगी। तुम हंसती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो। अपना हाथ दो। कौन सा हाथ? अरे बाबा, ये वाला। पर क्या है नितिन? Mm-hmm.
सो मच। कबीर अपने जाल में फंस रहा है, जरा उसकी हालत तो देखो। एक्चुअली मुझे भी याद आ गया, मेरा बहुत जरूरी काम था। सॉरी आई हैव टू गो। आप लोग प्लीज नो रिलैक्स, प्लीज यू कैरी ऑन, ओके जस्ट कैरी ऑन। That's it. कबीर अपने जाल में खुद ही फंस गया। देखते हैं आप इसके दिल का क्या होता है। चीना था दामिनी, उसी तरह छीन लो उसको, निकाल लो उसका दिल उसके सीने से। जाओ दामिनी, जाओ। तो हमेशा 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 छुपा छुपा हो जाए। तुम घबराओ मत, वो लोग हमारे पीछे ही है ना। घबराओ कैसे नहीं नितिन, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें मेरी या तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, जरा सोचो, हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तो कितने बेगुनाह लोगों की जानें बच सकते हैं। फिर भी हम ही क्यों, कोई और भी ये काम कर सकता था। तुम जानती हो ना, ये राघव और यामिनी के लिए कितना जरूरी है, और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। देखते हैं यामिनी और राघव का ये प्लान काम करेगा भी या नहीं। जिस जलन और नफरत की निगाहों से कबीर हमें देख रहा था, उससे तो यही लगता है कि इनका प्लान काम करेगा। पर दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। ओके। उसकी तरफ मत देखो, तुम अपने ऐसे करते रहते। अच्छा हाँ, तुम कुछ बोल रही थी, कहाँ चले हम? चलो कहीं चलते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके उसके घर चलते हैं। उसके घर चलेंगे? हाँ चलो ना। ओके। स्पॉट क्यों नहीं हो रही है ये गाड़ी? No, 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 no.
लो। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। राघव, यामिनी, नितिन मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कोई नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। कहाँ चले गए ये दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। पर राघव और यामिनी, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज चलो यहाँ से, बस चलो। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो प्लीज, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें नहीं, मैं सिर्फ इसे मारने आई, सिर्फ प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज उन्हें मत मत मारो। अब तुम्हें ऐसे मार के रहूंगी। रुक जाओ दामिनी, तुम नितिन को नहीं मार सकती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ इसे यहाँ मारने आई, अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए ना तो तुम दोनों की भी जान ले लूंगी। ऐसा मत करो दामिनी, नितिन को छोड़ दो। इससे पहले कि तुम नितिन को कुछ करो, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये पेंटिंग देख लो, और वो तुम्हारे पीछे जो पेंटिंग है वो भी देख लो। देखा दामिनी, असल में तुम्हारा पति तुमसे नहीं सुनैना से प्यार करता है, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है ताकि तुम नितिन को मार डालो और फिर वो सुनैना से शादी कर। और जिस इंसान के खाते तुम ये सब कुछ कर रही हो, वो ना ही तुमसे प्यार करता है ना ही वफा, वो सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम्हारी भावनाओं के साथ। और एक ऐसे इंसान के लिए तुम इतने लोगों की जान ले रही हो? अच्छा हुआ कि हम लोगों ने पेंटिंग बदल दी दामिनी की, और इसकी जगह हमने सुनैना की पेंटिंग लगा दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने तब तक नितिन को मारा क्यों नहीं? मैंने बोला था उसको मारने को ना। जब तक तुम उसको नहीं मारोगी मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, उसको जाके मारो। जिस इंसान के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, वो इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा मक्कार निकलेगा, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम दामिनी? मेरी खूबसूरती से जी भर गया है तुम्हारा? जो अपनी पेंटिंग्स की प्रेरणा के लिए तुमने किसी और को ढूंढ लिया? दामिनी तुम
लोग यहाँ कैसे आए? तुम्हें घर के अंदर आने किसने दिया? How dare you come into my house? Why? Damani, please, मार दो इन्हें। दामिनी, मैं तुमसे कह रहा हूं मारो इन्हें। दामिनी, मैं कह रहा हूं तुमसे मारो इन्हें। Kill them! कबीर, अब दामिनी तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचेगी। तुम हर्ष को इसलिए मरवाना चाहते थे ना, क्योंकि वो सुनैना का दोस्त था। अपने फायदे के लिए बिचारी को इस्तेमाल किया तुमने। दामिनी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इनके बात मत करो, बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दामिनी, देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दामिनी, बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम इतना ही प्यार करती हो उससे, तो अब तक जी क्यों रहे? तुम्हें कविता को अपनी जान दे देनी चाहिए थी ना। देखो, तुम हमारे बीच में मत बोलो, ओके? और नहीं, रुके, बेचारी दामिनी की आत्मा कब से भटक रही है, ना तो उसको मुक्ति मिली और ना ही शांति। क्या यही प्यार था तुम्हारा? झूठ बोल रहे हैं दामिनी। देखो तो, क्या अब मेरे हाथ लगाने से भी डर लगता है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है दामिनी। देखो, तुम मेरी बात सुनो दामिनी। दामिनी, देखो, देखो, ऐसी बात कुछ नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दामिनी। तुम अभी प्यार करते हो ना मुझसे? Of course, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ दामिनी। सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और किसी से नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ दामिनी। अभी खूबसूरत लगती ना मैं तुम्हें? बहुत खूबसूरत हूँ, खूबसूरत हो दामिनी, बहुत खूबसूरत हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, चल मेरी दुनिया में मेरे साथ। हाँ, देखो प्लीज, अभी नहीं, ओके? क्यों अभी नहीं? मैं तो तुम्हें अभी अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हें देखो, मेरी बात सुनो ना। नितिन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बच गए, हमारा प्लान कामयाब हो गया। थैंक यू दोस्त, अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद हम ये सब कभी नहीं कर पाते। अब ना ही आत्मा किसी के दिलों के साथ खेलेगी और ना ही कोई प्रेमी जुदा होंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।